हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया होने चाहिए। और गाइस अब हो गया है हम लोगों का नाश्ते का टाइम। हम लोग सब नहा धो लिए हैं और अब बज रहे हैं 10। तो गाइस देखिए मैंने क्या क्या नाश्ते में लगाया, आपको दिखाती हूँ। गाइस ये हैं स्वीट कॉर्न्स, ये स्वीट कॉर्न्स रखे हैं। ये पैकेट बहुत दिन से रखा हुआ था जो नहीं उबल पा रहा था, तो मैंने इसको आज उबाला है। मैंने कि चलो ये भी घर पर है, पहले नाश्ता इसी का करते हैं। और इधर बनाइए मूंग की दाल चाट वाली, और इधर है ब्रेड मक्खन, और इधर स्वीट। तो गाइस ये आज नाश्ता सारा हो रहा है, क्योंकि ये मूंग की दाल तो मैंने रात बनाई थी इसलिए ये बच गई थी, तो मैंने कहा इसको भी निपटाना है। तो गाइस तो ये भी मैं ले आई थी, और मिठाई भी रखी हुई थी 3-4 दिन, उससे भी ज़्यादा हो गए थे, एक हफ्ता हो गया, तो मैंने कहा इसको भी ख़त्म करें, नहीं तो ज़्यादा दिन बेकार हो जाती है। तो गाइस अब हम लोग सब मिलके करते हैं नाश्ता, क्योंकि वंश तो गया हुआ है ट्यूशन, वो आके करेगा। तो हम उस को मैंने बनाना शेक दे दिया था, इस समय वो जब आएगा तब उसका नाश्ता लगा दूँगी। अब हम लोग करते हैं नाश्ता। हेलो गाइस, मैं कर रही हूँ गेहूँ छान रही हूँ, क्योंकि इसमें हो गया है आटा बहुत ज़्यादा गेहूँ में, और इसमें घुल भी हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से साफ़ हो रहा है, इतने मैंने साफ़ कर दिए हैं। और उसमें लगानी पड़ेगी मुझे दवाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाया कि उसमें कब घुल हो गए। तो गाइस उसको हमें दवाई लगानी पड़ेगी। इधर हम कर रहे हैं गेहूँ साफ, ये साफ़ हो जाएंगे तो हम इसका आटा पिसवाएँगे, नहीं तो ये उन्हीं सारे आटा कर देंगे, ये वाला आटा खाना पड़ेगा फिर हमें, नहीं तो। वंश भी आ गया स्कूल से, आज इसकी सैटरडे को होती है वाइट ड्रेस, तो इसने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और इसके लिए लगा दिया है मैंने खाना जो ये खा रहा है यहाँ बैठा हुआ। क्या क्या है खाने में बोल ले, क्या क्या है, क्या क्या है खाने में तेरे? भिंडी है, दाल है, दही। सही से तो बोल दो, दिख भी ना रहे, मुंह नीचे इतना नीचे कर लिया, कैसे खा रहे हो? सही से तो खाओगा ना? क्या क्या है? भिंडी, हाँ, दाल, हाँ, रायता, दही है मीठा। तो गाइज ये खाना खा रहा है, अब मैं अपने लिए भी लगा लेती हूँ। किसकी आई है? तो गाइज मैं अब अपने लिए भी लगाती हूँ खाना और खाती हूँ। पापा जी कर रहे हैं पूजा, आज शनिवार भी है तो शनिवार की भी पूजा पापा जी करते हैं। इसके बाद वंश गया था ट्यूशन, तो मैंने कहा बेटा आटा घर में ख़त्म हो गया है तो तू थोड़ा सा आटा पिसवा ला, तो वंश आटा पिसवा कर ले आया है। पर बड़े ख़राब गेहूँ हो गए थे हमारे, पर बड़ी मुश्किल से साफ करे। फिर इसके बाद हम गए दीदी की तरफ, दीदी बना रही थी खाना, तो मैं आ गई वापस लौट के। फिर मैं आ गई कमरे में देखा तो ये भी बाहर गए हुए थे, तो ये कर रहे थे काम अपना। गाइस गेहूँ साफ करे, गेहूँ साफ करके वन शाटा पिसवा के लगाया है, पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि उसमें, हमने काफ़ी टाइम से पुराने गेहूँ खा रहे थे और हमें पता ही नहीं चला कि उसमें गेहूँ में घुन लग गए हैं, और उन्होंने इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए गेहूँ कि बस पूछो मत। कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि कितना मतलब आटा आटा सा हो गया है। तो गाइस पापा जी भी नाराज़ हो रहे थे कि क्या कहते हैं तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, और यह है जबकि हमने उसमें दवाई भी डाली थी, पर दवाई आजकल कितनी किस तरीके की आ रही है कि सारी मतलब गेहूँ को ख़राब कर दिया, उससे मतलब घुन वगैरह ख़त्म नहीं हुए और ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो हो गए कि इतनी मेहनत से पैसों से ख़रीदे जाते हैं और इतना नुकसान हो गया। तो गाइस हमने थोड़े थोड़े गेहूँ उसमें से जो हमारे यहाँ आती हैं, जो हमारी हेल्पर हैं, जो हमारा, तो वो उनको थोड़े से दे दिए, और थोड़े से मेरी तरफ जो है जिठानी की तरफ हेल्पर है उनको दे दिए, थोड़े से गेहूँ आटा को दे दिए। मतलब इस तरीके से हमने थोड़े थोड़े गेहूँ सभी को बांटे हैं कि गाइस, और उसमें फिर थोड़े से जो बचे हैं उसमें हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी दवाई और लगा दें, मतलब रख दें, जिससे वो जो घुन है वो ख़त्म हो जाए। तो गाइस ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और पापा जी भी कह रहे थे कि
अब हम ये गेहूँ वगैरह नहीं देंगे, जिससे हर बार का यही चक्कर होता है। पिछली बार भी हुए थे, हल्के हुए थे, पर इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गए। अगर हम लोग नहीं साफ़ करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि मतलब या तो ये बारिश का मौसम है, इसमें ज़्यादा थोड़ी सीलन आ गई, यानी क्या हुआ कि इस वजह से ये हुआ है। तो गाइस आप बताइएगा, आप लोग ये हम लेते हैं। आज मैंने बनाई है चुकंदर की सब्ज़ी और तुरई, पर हमारे महाशी जी वंश जी खाएंगे नहीं वो चुकंदर की सब्ज़ी, पर ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे पौष्टिक होती है, पर वो नहीं खाएगा, वो तो देख के ही भाग रहा है उसको चुकंदर की सब्ज़ी को। कह रहे चुकंदर की सब्ज़ी बन के हम और इसके पापा तो खा लेंगे, क्योंकि भैया आजकल तो सभी चीज़ों में मिलावट है या सब है। अगर चुकंदर की सब्ज़ी एक दिन खा लेंगे तो हम तो ये सोचेंगे हमारे शरीर को कुछ हमारा हेल्दी फूड मिल गया है हमें, पर वो तो खाएगा नहीं, इसलिए मैंने इसके लिए दही जमाया है और सुबह की रखी है दाल, उससे खाएगा। और अभी गया हुआ है ट्यूशन, तो ट्यूशन से आएगा तो हम लोग खाना खाएंगे। और गाइस आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, आप लोगों की मुझे प्यार की बहुत आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, बाय।